सुरा सागर, घृत सागर, दधि सागर, क्षीर सागर और फिर सात द्वीप बनाए, जम्बू द्वीप, शाकत द्वीप, कुशत द्वीप, प्लक्षत द्वीप, क्रौंच द्वीप, नेग्रोध द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये बना करके उन्होंने सात ऊपर के लोक बनाए, भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक। यही नहीं, सात नीचे के लोक बनाए, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। इतना ही नहीं, सात द्वीप, सात स्वर्ग, सात पाताल, ये सब बना करके इस ब्रह्मांड को बना दिया और फिर इस ब्रह्मांड के अधिपति भी स्वयं हो गए। इसी तरह से एक ब्रह्मांड बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना और फिर बनते ही चले गए। इतने ब्रह्मांड बने कि आज की तिथि में अगर उन ब्रह्मांडों की गणना करनी पड़े तो ब्रह्मा जी भी नहीं गिन पाएंगे, शंकर जी भी नहीं गिन पाएंगे, धर्म भी नहीं गिन पाएंगे, विष्णु भी नहीं गिन पाएंगे, तो फिर देवताओं की और हम मनुष्यों की क्या बात है। इतने ब्रह्मांड, केवल यही कहना पड़ेगा कि अनंत ब्रह्मांड है भैया, इनकी गिनती नहीं है। हम जहां तक गिनते जाएंगे कोई ना कोई गिनती आती जाएगी। ये गिनती कैसी है? ये गिनती तो वहां तक होती चली जाती है जहां तक हम गिनते हैं। हम एक से लेके दस तक गिनना चाहें हो जाएगी, सौ तक हो जाएगी, हजार तक हो जाएगी और इसी तरह से आप दस गुना बढ़ते चले जाइए। जहां तक भी जाएंगे गिनती वहां तक पहुंच जाएगी। जैसे गिनती को गिनने का कोई अंत नहीं हो सकता, ऐसे ही ब्रह्मांडों को भी गिनने का कोई अंत नहीं है। संख्यातुमीश्वर शक्तो न संख्यातुम तथापि सह विश्वाकाश दिशाम चैव सर्वतो यद्यपि क्षमा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सब ब्रह्मांडों को गिनने की शक्ति रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिन सकते, लेकिन उनकी गिनने की इच्छा नहीं और गिनने का उनका कोई प्रयोजन भी नहीं है कि किस लिए गिनेंगे। जब हम लोग सीमित आमदनी वाले लोग होते हैं तो हम लोग अपनी संपत्ति गिनते हैं, पर्स निकाल के रुपया गिन के फिर रख लेते हैं, अलमारी खोल के रुपया गिन के फिर रख दे के ताला लगा देते हैं। काहे के लिए? कि सब है कि नहीं, कुछ कम तो नहीं हो गया। गिनते हैं, कब तक गिनते हैं? जब तक सीमित है तभी तक गिनते हैं। जब ज्यादा संपत्ति हो जाती है तो नहीं गिनना छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं? अभी मझोली हुई है, थोड़े से ज्यादा हो गई लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो जब थोड़ी होती है तो हम खुद गिनते हैं, जब थोड़ा बढ़ जाती है तो खुद तो नहीं गिनते लेकिन गिनने वाले लगा के रखते हैं, पूछते हैं उनसे, क्यों भाई कितना, क्यों भाई कितना, इस खाते में कितना, उस खाते में कितना। लेकिन फिर एक समय आ जाता है जब सबको गिन पाना मुश्किल हो जाता है। अब कोई घर में पानी हो तो उसको नाप ले कि एक बाल्टी, दो बाल्टी, पांच बाल्टी। अगर किसी के मालिकाना में समुद्र आ जाए तो वो बाल्टी नापेगा कि कितनी बाल्टी पानी है? फिर वो नापना, नापने का मामला ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही इतने ब्रह्मांड हो गए कि ब्रह्मांडों की गणना करने में रुचि ही समाप्त हो गई। अनंत ब्रह्मांड, यही कह देना पड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूत जी बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये कृत्रिम है, बनाए गए और अनित्य हैं, माने बनते हैं फिर बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए जैसे ही आप गिनना शुरू करेंगे वैसे ही कुछ बिगड़ गए, नष्ट हो गए, तो उनकी गिनती फिर माइनस हो जाएगी।
इसलिए कितने लोग हैं संसार में, जब तक कहोगे तब तक जाने कितने मर जाएंगे, जाते हैं कितने और पैदा हो जाएंगे। तो सही संख्या किसी भी समय नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि जिस समय हम बोलेंगे उसी समय जाने कितने पैदा हो गए और जाने कितने उसी समय मर गए। तो हर समय संख्या बदलती रहती है, इसलिए भी सही गिनती का हो पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये जो ब्रह्मांड है ये कृत्रिम है, अनित्य है, आते हैं जाते हैं, इनकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन भी होता रहता है। लेकिन तीन लोक जो हमने बताए जो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, वो है गोलोक, वो है वैकुंठ और वो है शिव जी का लोक। ये नित्य है। क्यों नित्य है? क्योंकि ये विश्व से बाहर है। ये जो संसार है इस संसार का अंग वो नहीं है, इसलिए संसार नाशवान है। संसार जब नष्ट होता है तब संसार की सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ये तीन नहीं नष्ट होते हैं। इसलिए जो इन लोगों को भक्त प्राप्त कर लेता है वो भी अनश्वर हो जाता है।